आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू पंजाबी स्टाइल, एकदम रेस्टोरेंट जैसा दम आलू। आप घर पे बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत इजी है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बनाते हैं। दम आलू बनाने के लिए हमने 3 आलू लेकर के उबाल लिए हैं और इस शेप में कट कर लिए हैं। 2 हमने टमाटो लेकर के बिग साइज में कट किए हैं, 2 हरी मिर्च कट करी हैं और हमने 1 बिग साइज अनियन कट कर लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं। अब हमें इनका पेस्ट बनाना है, तो सबसे पहले हम अनियन और गार्लिक का पेस्ट बना लेते हैं। 1 मिक्सर जार लेंगे और उसमें अनियन और गार्लिक को डाल देंगे। एक से डेढ़ चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे, जिससे कि अच्छा स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हो जाएगा। पेस्ट बन गया है, अब हम इसको किसी बोल में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरीके से हम टमाटो प्यूरी भी बना लेंगे, तो हम मिक्सर जार में टमाटोज ऐड कर देंगे, ग्रीन चिली और 1 छोटा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज टमाटोज में पानी ऑलरेडी होता है, तो ये पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। इधर हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी लिया है, 2 छोटे टुकड़े सिनामन स्टिक के लिए हैं, 2 बे लीव्स लिया है, 4 से 5 हमने साबुत काली मिर्च ली हैं, 3 लौंग ली हैं और 2 हमने हरी इलायची बीच में से कट करके ली है और 4 हमने साबुत लाल मिर्च ली है। सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे गैस पर और उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। दम आलू अगर घी में बनाते हैं, देसी घी में, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। घी को गर्म करेंगे और जो हमने आलू बॉईल करके कट किए थे उसको हम गोल्डन ब्राउन करने तक भून लेंगे। एक एक करके सारे आलू हम इसमें ऐड कर देंगे और हमें इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। डीप फ्राई नहीं करना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा एक साइड से इनको भूनने के लिए। एक साइड से भून चुके हैं, अब हम इनको दूसरी साइड से पलट देंगे। सबको पलट दिया है, तो दूसरी साइड से भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। सभी साइड से भून लेंगे। आप देख सकते हैं आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी और ऐड कर देंगे। घी को गर्म होने देंगे, इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। हमने जो अनियन गार्लिक का पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मिक्सचर को हमें अच्छे से भूनना है,
इसमें मिनिमम 5 मिनट लगेगा मीडियम फ्लेम में, बीच बीच में चलाते रहना पड़ेगा। अब हम इसमें करी लीव्स और सिनेमन स्टिक, हरी लाल मिर्च और लौंग, इलायची सभी ऐड कर देंगे। पिंच ऑफ हींग डाल देंगे। अच्छे से बीच बीच में चलाते रहेंगे। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मिक्सचर कितने अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 टेबलस्पून हमने गरम मसाला डाल दिया है, 1/2 टेबलस्पून हमने अमचूर पाउडर डाला है और हमने एक कसूरी मेथी ऐड कर दी है। सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है। हमने इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है, जिससे मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून के रेडी हो जाते हैं। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। इस मिक्सचर को भी हमें फिर से बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट मिनिमम इसको लगेंगे मीडियम फ्लेम पे, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे से भुन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे और इसमें हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे इस ग्रेवी को। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इस ग्रेवी को मिनिमम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है ढक करके। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने यमी दम आलू बन के रेडी हो गए हैं। लुक सो डिलीशियस। गैस को ऑफ कर देंगे और इनको सर्व कर लेते हैं एक सर्विंग बोल में। मैं बोल में सर्व कर लिया है, क्रीम के साथ गार्निशिंग कर दी है। देख सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल दम आलू, स्पाइसी दम आलू बन के रेडी हो गया है। लुक एट द कंसिस्टेंसी। आप इनको राइस के साथ, चपाती, पराठा, पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। प्लीज घर पे जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। एंड अगर आपको क्वांटिटी इंग्रेडिएंट्स की चेक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।